कोरोना की महामारी जब से शुरू हुई है तब से जनता की जो समस्याएं हैं उस संदर्भ में प्रशासन के साथ चर्चा हुई। कई बार कई लोगों को फ़ोन करते हैं, रिप्लाई नहीं आता। जैसे कल रात को मुस्लिम मोची मोहल्ले से व्यक्ति को लाई, रात भर तक उसको अस्पताल में बैठा रखा, उसको पानी तक भी नहीं मिला। जब सवेरे मेरे पास सूचना आई तब मैंने अधिकारियों को बताया, तब जाकर के वहाँ पे व्यवस्था हुई। इस तरह की कई बातें हैं। जैसे पड़ाव है, पड़ाव में व्यापारी बार बार कह रहे हैं कि 24-25 दिन से कर्फ्यू है, नहीं उस कर्फ्यू में हमको सामान तो निकालने दो। सामान तक उनको निकालने, आज सहमति हो गई कि उनको सामान निकालने की SP साहब अनुमति देंगे। और साथ में जैसे कर्फ्यू के एरिया आपने बढ़ाया, उन एरियाज़ में प्रशासन की जो मशीनरी है, न तो पिछले 3 दिन से धोबी मोहल्ला, इमली मोहल्ला, सरागी मोहल्ला दूध नहीं पहुँचाए, और अब आपने बढ़ा दिया तो आपकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो है नहीं, तो आप दूध और सबसे नहीं पहुंचा पाओगे तो जनता में त्राही त्राही मचेगी। इसलिए मैंने उनको कहा कि आप सब जगह जहां भी सामग्री आपकी जाए उसके साथ आप पार्षद को साथ रखो, क्यों पार्षद जानता है कि घर घर कौन सा है, उससे दूध पहुँचे, सामान पहुँचे, आपके नियम आप पालन कराओ। लेकिन नियमों के पालन में अधिकारियों को इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम विभिन्न अधिकारियों को दायित्व दे रहे हैं। हमने कहा इन सारे अधिकारियों के मोबाइल नंबर अखबार में भी दो, हमें भी भेजो, ताकि सामने वाला किरे। मैं कल से बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज कर्फ्यू ग्रस्त एरिया, चूँकि मेरे एरिया में मैक्सिमम एरिया मेरा है, उसमें लोगों की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को कोई समाधान हो नहीं रहा है। उस समस्याओं के समाधान के लिए हमने 3-4 बातें, एक जैसे पड़ाव से सामग्री निकालने वाली बात हुई, साथ में हर जगह ये इनके लोग जो तय हों उसी एरिया का ही राशन सामग्री वाला होना चाहिए। इन्होंने लगा दिया पर्वतपुरा वाला खारीकुई पे, तो खारीकुई आएगा नहीं, और आएगा तो कुछ करेगा नहीं, जानता नहीं किसी को। तो एक तो स्थानीय व्यक्ति लगे, स्थानीय व्यक्ति के साथ में उसके साथ पार्षद का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि जनप्रतिनिधि को सौरे इस तरह बुला के हमारी समस्याएं हैं उन जनता की समस्याओं को सुने। जनता हमारे घर पहुँचती है और हमारे इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं होता। तो जब से देथा साहब आए तब से तो कुछ संवाद में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हमने ये कहा कि आप संवाद करो, टेलीफोन उठाओ और समस्याओं का एग्जीक्यूशन करो। बिना एग्जीक्यूशन के कोई, फिर आपने स्कूल लिए, स्कूल में भी आपको जो जची आपने ले लिए, शहर के बस्तियों के बीच के ले लिए, और दूर दूर के स्कूल अभी खाली पड़े। तो इन्होंने कहा कायल विश्राम स्थल में 450 लोगों की हमने व्यवस्था कर दी है। उसके अलावा उधर दूर MDS यूनिवर्सिटी है, संस्कृति विद्यालय है, सोफिया है, दूसरे जो हैं उन सारे स्कूलों को भी हम ले रहे हैं, कुछ को ले लिया, कुछ को लेंगे। हमने कहा पहले बाहर के एरिया भरो, उसके बाद मजबूरी हो तब इधर आओ। आपने पहले सारे शहर के बीच बस्तियों को भर दिए, जिसमें वो लोग भाग करके एक बस्ती में चले जाते हैं, जिसके कारण वहाँ और फैलने का डर होता है। इसलिए इस प्रकार की 5-6 बातों पर हमारी सहमति बनी है। अब देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कितना होता है। देखिए जो प्रशासन के नीचे जो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी, नीचे के अधिकारियों का फीडबैक नहीं ले पा रहे थे, और उसके कारण से समस्याओं को दूर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। समस्या दूर नहीं हो रही थी और समस्या विकराल रूप लेती जा रही थी। उसको लेकर के आज भवानी सिंह जी देथा जी ने हमें आमंत्रित किया था, और कैसे समस्याओं का समाधान हो सके उसको लेकर के उन्होंने हमसे बातचीत की है। जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उनके बारे में भी हमने कहा कि वो क्वारंटाइन सेंटर जो है शहर के दूर रिक्त एरिया में, जहां आसपास कोई आबादी ना हो, वहां बनाए जाएं। और साथ ही जो कर्फ्यू क्षेत्र है, उस कर्फ्यू क्षेत्र में भी खाद्य सामग्री डोर टू डोर पहुँचे, और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति उस खाद्य सामग्री को खरीद करके और अपना गुजारा बसर कर सके। इसी के अतिरिक्त जिन लोगों के पास खाद्य सामग्री नहीं पहुँची है, उन लोगों के यदि कॉल्स आते हैं तो उसको वेरीफाई करने के बाद आप खाद्य सामग्री पहुंचा दें कि वास्तव में इनको खाद्य सामग्री की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त जो चल दुकानें चली हैं, जो चल दुकानें दूसरे दूसरे वार्डों में आवंटित कर दी गई है, जो राशन का गेहूं है उसको ठीक प्रकार से करना है, तो इन सब विषयों के बारे में आंगनबाड़ी के और आशा वर्कर के मानदेय के बारे में बात हुई है। अब 1-2 दिन में उनका मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को पुख्ता करने के लिए आज भवानी सिंह जी देथा जी के नेतृत्व में आज बैठक हुई है, जिसमें SP साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आने वाले समय में अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और सारी चीज़ें सुगमता से उसी प्रकार से चलती रहेंगी।